कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ मारूफ तरीके से, भले तरीके से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को तलकीन करते हुए फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। इसी तरह आपने अपने इस खुतबे में यह भी फरमाया कि देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक उन पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को न आने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। इसी तरह इस्लाम शौहर को यह हुक्म भी देता है कि वो बीवी के साथ खुशगुमान रहे। और अगर देखा जाए तो इंसानी गुमान और इंसानी सोच इंसान के अमल की बुनियाद बनती। आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में हुस्न ज़न रखते हों, उसके बारे में अच्छी सोच रखते हों, उसके लिए बुरा ना चाहते हों। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुबहानहु ताला तनकीन फरमाते हैं कि फइन करहतुमूहुन्न फअसान तकरहु शैअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, कि अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद भी हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ताला ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाई बना रखी हो। इस मफहूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं बयान किया है कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको पसंद नहीं तो हो सकता है कोई दूसरी खसलत उसको पसंद आ जाए। इसी तरह बीवी के साथ अफ़्वो दरगुज़र की रविश इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है।